फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की लव मैरिज से नाराज होकर उसकी हत्या करने और शव का दाह संस्कार करने का संगीन आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर, जो कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात है, उसे व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका कोमल के पति सागर ने बताया कि वह और कोमल कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी के चलते उन्होंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर ली। इसके बाद कोमल ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दी तो उन्हें ये बात बेहद नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। लेकिन इसी बीच कोमल के परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं और इसी के तहत उन्होंने 19 फरवरी को कोमल और सागर की सगाई कर दी। कोमल के पति सागर ने बताया कि इस दौरान कोमल के परिजन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। हालांकि सागर ने यह भी बताया कि कोमल ने उसे फोन कर बताया कि उसके परिजन अभी भी इस शादी से खुश नहीं है। इसी बीच 18 मार्च को कोमल की एक सहेली ने सागर को फोन कर सूचित किया कि कोमल की हत्या कर दी गई है और उसका शव उसके गाँव में जला भी दिया गया है। सागर का कहना है कि इस सूचना के बाद वह अपने परिवार के साथ कोमल के पैतृक गाँव सहरोला पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि कोमल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसका शव बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया गया। अब सागर की मां का आरोप है कि कोमल के परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर दी है और हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम करवाए उसकी लाश का दाह संस्कार कर दिया। मेरा नाम उदेश यादव है। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ? उसको मार दिया गया। कैसे मारा, कैसे पता लगा आप लोगों को, क्या कहानी थी? मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया, उसकी सहेली ने कोई फोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया और मुझे प्रशासन से बड़ी उम्मीद है कि बच्चियों के लिए बड़ी रक्षा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी ने भूला है उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है और प्रशासन हमारी बड़ी अच्छी मदद करेगा। SHO साहब बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं और हमें न्याय मिले। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ प्रशासन से कि हमें न्याय मिले और बच्ची को कल, ताकि कल और किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वैसे बल्लभगढ़ में बहुत से हादसा होते हो रहे हैं, कोई किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ध्यान दो। मेरा नाम सागर यादव है। सागर भाई क्या हुआ था? सर मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की और उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई पापा चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे अगले दिन 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वाले से पूछा तो गांव वाले ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को
अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सजा दी जाए ताकि आगे से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। क्या करते हैं उसके पापा? उसके पापा और उसके चाचा, उसके पापा और उसके चाचा दोनों पुलिस में हैं। उन्होंने काफ़ी बार ऐसा बोला है मेरे को कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम खून की होली खेलेंगे, और ऐसा उन्होंने कर दिया। एसएसपी साहब, एक ऑनर किलिंग का मामला है, क्या पूरा मामला? कल हमारे पास एक शिकायत आई थी, सागर यादव है लड़का, उसने जनवरी फरवरी माह के अंदर जो कोमल लड़की है उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन सीख करी थी कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली। बाद में दो दिन बाद में जब इनके आपस में परिवार का सुलह हुआ आपस में दोनों की, तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और दोनों अपने घर चले गए, और 15-3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19-2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है, और रात को ही उसकी उससे बात हो रही थी, तो उसको उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है, और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर उसके दरख्वास्त के ऊपर एक योग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के साथ। क्या नाम उनके पिता का और क्या काम करते हैं? उनके चाचा शिव कुमार नाम है, उनके पिता सोहन पाल नाम है, और दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हो पाई है, अभी इसके अंदर पूर्ण तरीके से इसके अंदर तफ्तीश जा रही है, और सभी पहलुओं से पूरी तफ्तीश करके और सारे एविडेंस जुटा के उसके बाद ही जिसके खिलाफ ये सबूत आए हैं उसको अरेस्ट किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।